छतरपुर क्षेत्र में व्याप्त विद्युत की समस्या का समाधान कराने बीते रोज महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचे। समस्या में अधिकारियों को अवगत कराकर विधायक नीरज दीक्षित ने कहा कि यदि शीघ्र ही विद्युत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे कार्यालय पर धरना देंगे। उल्लेखनीय है कि इन दिनों महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक गांधी चौपालें लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। चौपालों में सर्वाधिक समस्या बिजली की सामने आ रही है, जिससे नाराज होकर विधायक ने विद्युत विभाग को चेतावनी दी है। विधायक श्री नीरज दीक्षित ने कहा कि किसानों और विद्यार्थियों को बिजली के कारण भारी परेशानी हो रही है, यदि शीघ्र ही समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हम 15 दिनों से करीब हम फोन पे बात कर रहे, कई गांव हमारे ऐसे थे जिन्हों में लाइट आज तक नहीं पहुंची, डीपियां अभी तक खराब पड़ी हुई हैं। और 7 दिन के इस दौरे में उन गांव में हम पुनः गए, फिर भी वो खराब मिली। हमने वहां से लगातार 7 दिनों से इनसे बात कर रहे, पूरे YC JE वित्त ऐसी साहब तक से बात हो रही, चाहे कुर्रा हो, बैदा, अर्नुना, पड़वाहा, गुरसारी, सब जगह लाइट की समस्या है। चाहे गांजीपुरवा चले जाओ, चाहे जहाँ चले जाओ आप। आपने किस तरह का अल्टीमेशन दिया है विद्युत विभाग? हमने इनसे परसों बात की थी कि अगर 2 दिन में नहीं सुधरी तो हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे। इनने अभी हमसे वादा किया है कि 14 तारीख की शाम तक जो आपने डीपियां लिख के दी हैं 15, 20, 25 जो भी हैं क्षेत्र की, वो हम तत्काल 14 तारीख की शाम तक बदलेंगे। और नहीं बदल पाई तो हमने साफ उनसे कह दिया कि 15 को हम 2 बजे दोपहर के बाद यहाँ बैठ जाएंगे, और जब उठेंगे, जब डीपियां हमारे गांव में हमारे किसानों को लाइट मिलने लगी। किसानों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई का भी असर सामने दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं पेपर आने वाले हैं फरवरी मार्च के आखिरी में, और जब परीक्षा आने वाली है, कुर्राहा में 2-2 डीपियां चली, बेदार में डीपी चली, कई गांव ऐसे हैं जहां फुलारी में तो लाइट ही नहीं है गांव में। आज हमारे छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री नीरज दीक्षित जी और उनके सहयोगी लोग यहां मेरे कार्यालय में पहले से पूर्व सूचना दिए थे कि आ रहे हैं। क्षेत्र में ट्रांसफार्मर संबंध में थोड़ी सी समस्याएँ जा रही थी, इसके बारे में कई ग्रामों में जो ट्रांसफार्मर खराब होने के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें बेदार, कुर्राहा, लार, पड़वा, दीवान जी का पुरवा, इस सिलसिले में हमने अपने क्षेत्र के JEE और DE साहबों को बुलाया हो तो उनसे भी जानकारी है। तो जो इसमें हमारे ट्रांसफार्मर निकल के आ रहे हैं कि जो इनमें भुगतान 50% के लगभग हो गया है, जिसे हमें ट्रांसफार्मर बदलने की स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति निकल के आ रही है कि हमें 25 KV के 5 ट्रांसफार्मर, 63 के 3 और 100 का 1 9 नंबर ट्रांसफार्मर बदलने की स्थिति में, जिसे हमने माननीय विधायक जी को ये कहा, 2 दिन का समय दिया कि 2 दिन हम ट्रांसफार्मर व्यवस्था करेंगे और 14 तारीख तक यहाँ ट्रांसफार्मर हम बदल देंगे। और जहाँ पे अन्य ट्रांसफार्मर जो और भी लिस्ट हमारे पास 14 की माननीय विधायक जी ने दिया है, इसे हम कैंप लगवाएंगे। जो बकाया राशि चल रही लोगों से समझाई लोगों देते हैं भुगतान कि आप भी अपने बिलों का भुगतान करें, जिससे हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आए, जिससे हम बदलने की कार्रवाई कर सके। आपके माध्यम से मैं आम जनता से, आम उपभोक्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने बिलों का समय भुगतान करते रहें, जिससे हम विद्युत प्रदाय दे पाएँ, ट्रांसफार्मर बदल पाएँ।